पब्लिक टीवी आपकी आवाज। तेज धूप और बढ़ती गर्मी में त्वचा से संबंधित परेशानियों से इन दिनों लोगों को ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस मौसम में पसीना ज्यादा निकलने लगता है, तो वहीं सबसे बड़ी परेशानी आम जनजीवन के सामने फंगल इन्फेक्शन की आ रही है, जिससे आम जनमानस अब ज्यादा परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे तो फंगल इन्फेक्शन एक आम समस्या है, लेकिन यदि इसे समय रहते ठीक नहीं किया जाएगा तो इससे कई दूसरी परेशानियां भी हो सकती है। बढ़ती गर्मी में बढ़ रही फंगल इन्फेक्शन की परेशानियों पर आज हमने बात की स्किन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव कुमार से, जिन्होंने बताया कि फंगल इन्फेक्शन आमतौर पर 60% लोगों में एक आम बीमारी है, लेकिन जब इस बीमारी से ग्रसित रोगी अपना उपचार स्वयं ही करने लगे और डॉक्टर के पास ना जाए तो ऐसे में वो घातक हो जाता है। स्किन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव कुमार कहते हैं कि फंगल इन्फेक्शन वैसे तो पूरी दुनिया में पाया जाने वाला एक बेहद सामान्य सा रोग है। व्यक्ति में फंगल इन्फेक्शन की समस्या तब होती है जब कोई बाहरी फंगस शरीर के किसी खास हिस्से पर कब्जा जमा लेता है और शरीर का इम्यून सिस्टम उससे निपटने में सक्षम नहीं होता। जब हानिकारक फंगस हमारे शरीर पर हमला बोलता है तो उन्हें खत्म करना हमारे लिए काफी मुश्किल होता है, क्योंकि वे किसी भी माहौल में जीवित रह सकते हैं और वे स्वस्थ हो रहे इंसान को बार बार संक्रमित करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर राजीव कुमार कहते हैं कि बढ़ती गर्मी में इस तरह की परेशानियां लोगों में बढ़ जाती हैं और उससे बचने का सबसे अच्छा एक उपाय है कि जहां पर फंगल इन्फेक्शन की परेशानी है उस जगह को ड्राई रखें और कपड़ों को समय समय पर बदलते रहें, साथ ही खान पान पर विशेष ध्यान दिया जाए। सर, अभी मोस्टली क्योंकि मौसम बदल रहा है और गर्मी भी का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा हाई है, तो ऐसी स्थिति में किस तरह की प्रॉब्लम्स जो लोग हैं उनके सामने आ रही है? इस समय बढ़ते गर्मी के टेम्परेचर की वजह से स्किन में बहुत सी बीमारियां जो हैं ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। उसमें सबसे पहले फंगल इन्फेक्शन है, जिसे फफूंदी कहते हैं हिंदी में, और जो रोग होते हैं उनको जो है दाद कहते हैं। ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं, तो इन ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती है गर्मी के मौसम में, और एक्ने पिंपल्स भी गर्मी के मौसम में बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। इसके अलावा गर्मी से बढ़ने वाली बीमारियों में पायोडर्मा, जिसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन बच्चों में बहुत कॉमन होता है, वो भी तेज़ी से बढ़ता है। तो इन्फेक्शन जितने भी हैं, बैक्टीरियल, फंगल, ये सभी ही गर्मी में बढ़ते टेम्परेचर में इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो मोस्टली अगर जो लोग हैं जो बीमार जो ग्रसित हैं बीमारी से, उन्हें क्या बचाव करने चाहिए? उन्हें एक तो हाइजीन मेंटेन करना चाहिए और सबसे जो क्लीन अपनी बॉडी को रखना चाहिए। इसके अलावा जो है जहाँ पे जैसे फंगल इन्फेक्शन होने के चांस वहाँ ज़्यादा रहते हैं जहाँ पे स्वेटिंग और गर्मी ज़्यादा होती है, तो इसलिए अपने बॉडी पार्ट्स को जैसे अंडर आर्म्स हैं, ग्रोइंस एरिया हैं, तो उनको बिल्कुल ड्राई रखना चाहिए और प्रॉपर सुबह शाम नहाना चाहिए और कॉटन के कपड़े पहनना चाहिए, लूज कपड़े पहनना चाहिए। मोस्टली इन दिनों में किस बीमारी, मतलब अगर बेसिकली डिजीज की बात करें तो इसमें किस तरह से परेशानियां आ रही हैं, किस डिजीज से लोग ग्रसित हो रहे हैं इस बीमारी? इस मौसम में, बढ़ते गर्मी के मौसम में ज़्यादातर लोग फंगल इन्फेक्शन और एक्ने, पिंपल्स और फोटोडर्मेटाइटिस, मेलाज्मा या झाइयाँ, ये सब बहुत कॉमन बीमारी हैं जो ज़्यादा बढ़ जाती हैं बढ़ते टाइम। लोगों में एक भ्रम रहता है कि कहीं लाइलाज है इस तरीके की बीमारी, क्या लगता है? नहीं, ये लाइलाज बीमारी नहीं है, वो ये फंगल इन्फेक्शन हो, ये जिसे हम दाद कहते हैं, ये भी लाइलाज नहीं है। ये भी अगर आप किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो ये भी क्यूरेबल हैं, ये भी सब सही हो जाते हैं। लेकिन लाइलाज तब होते हैं जब हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और लोकल डॉक्टरों को दिखा लेते हैं और आप खुद अपने मेडिकल से ट्यूब वगैरह ले लेकर लगाते रहते हैं, तब लाइलाज होने के चांसेस बनते हैं। अधिकतर देखने में आता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत लंबे इस बीमारी से ग्रसित रहते हैं, तो उनके साथ में किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कैसे उसे इससे बचाव किया जाए? लंबे समय से वही लोग हैं जो स्पेशलिस्ट को जो नहीं दिखाते, वो अपने आप ट्यूब लिया मेडिकल से, मेडिकल वाले ने स्टीरॉयड का ट्यूब दे दिया, लगा लिया। जब वो लगाया तो कुछ देर तो सही हुआ, तो खुजली तो कम हो गई, लेकिन बीमारी जो फंगस जिसकी वजह से हो रही थी
वो कम नहीं हुई क्योंकि एंटीफंगल चली ही नहीं उसमें। तो फिर 2 दिन बाद जैसे ट्यूब का असर ख़त्म होगा फिर दोबारा आ जाएगी वो, और ज़्यादा बढ़ के आएगी क्योंकि फंगल का ट्रीटमेंट तो हुआ ही नहीं। जो इन्फ्लामेशन था वो जरूर कम हो गया, खुजली जरूर कम हो गई, लेकिन बीमारी नहीं ख़त्म हो गई। तो क्या वैसे तो इसलिए जो है विशेषज्ञ डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए, तो उसमें ही ये सही होता है। क्या मैसेज कन्वे करेंगे जो मरीज हैं इस तरह की बीमारियों से परेशान हैं? मेरा ये मैसेज है कि जो है सेल्फ मेडिकेशन ना करें और लोकल डॉक्टर से बचें और स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ही दिखाएं और उन जैसे वो गाइडलाइन दें उसी के हिसाब से अपना ट्रीटमेंट कराएं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।